बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हुई, अभी कल बारिश हो जाएगी। मैं ट्यूशन की तरफ तो पहुंच गया हूं लेकिन मैं 25 मिनट लेट हूं, लेकिन कोई मसला नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई काफ़ी दिन से ब्लॉग इतने अच्छे तेज़ी से आ नहीं रहे क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं और मैं ही काबू में मसरूफ हूँ। पेपर जो है वो मेरा कल भी था और परसों भी, आज नहीं है, आज मैं कोचिंग जा रहा हूँ अभी। तो मैं बोला यहीं से ब्लॉग जो है वो शुरू कर लेते हैं, तो आप देखें। और अभी आपको एक चीज़ और बताऊँ, सीन ये है कि मैं कल पेपर देने गया, पहले तो कराची यूनिवर्सिटी में सेंटर पड़े, कराची यूनिवर्सिटी पूरी ढूंढी, डिपार्ट ढूंढा अपना, वहाँ से फिर पेपर दिया और बारिश भी हो गई बहुत तेज़। पर ये है कि जो मैं याद कर करके गया था वही पेपर में आया सब ज़्यादातर, और हिस्ट्री का मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। पहला पेपर इनका वो पी एस सी का था, वो तो मैं कल लेके आ गया, लेकिन अब जो है वो इंग्लिश का पेपर है और मैं तैयारी के लिए कोचिंग जा रहा हूँ। कोचिंग से आता हूँ फिर आपको बताता हूँ हाल के पेपर क्या आया, कैसा आया और अब क्या तैयारी है मेरी। तो मैं जा रहा हूँ, काफ़ी लेट हो गया कोचिंग के लिए, तो अब जल्दी जल्दी जाऊंगा, फिर वहां से आऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि क्या क्या सीन है और मैं ब्लॉग्स कब तक डालना शुरू कर दूंगा। मैं ट्यूशन की तरफ तो पहुंच गया हूं लेकिन मैं 25 मिनट लेट हूं, लेकिन कोई मसला नहीं है इतना बड़ा क्योंकि मैं अकेले उनसे ट्यूशन पढ़ता हूँ, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। तो चलो मैं ट्यूशन जाके फिर वहाँ से आके फिर आते हुए आपसे बात करता हूँ, सही है? तो भाई अभी अभी जो है वो मैं कोचिंग से आ चुका हूँ और बाहर का मौसम जो है वो इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, लेकिन बारिश जो है वो आज बिल्कुल नहीं। और कल जो है वो बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि जिसके वजह से मैं पेपर भी देने गया और पेपर देते वक्त भी बारिश हो रही थी और पेपर से आते वक्त भी बारिश हो रही थी और जब मैं जा रहा था पेपर देने तब भी बारिश हो रही थी, केव के अंदर घूम रहा था तब भी बारिश हो रही थी, लेकिन आज जो है वो बारिश बिल्कुल नहीं हुई। बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हुई, अभी कल बारिश हो जाएगी। बताना बस ये है कि बारिश नहीं है वो बच्चों के पेपर ख़राब करना था बस, कि आज बारिश हुई नहीं, अब कल है कि कल बारिश होगी और कल वापस पेपर है इंग्लिश का, तो ये सारे सीन है। मुझे आप लोगों को दिखाना ये है कि पेपर में आया क्या था पीएसटी के, और वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देखें क्या क्या पीएसटी में आया था और ये मैंने किया कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये था भाई हमारा पेपर, देख लें आप पेपर, वैसे आपको सब शायद उल्टा दिखे। सीन ये है कि पेपर में जो है वो सिर्फ दो सवाल करने थे हमें और वो दोनों लॉन्ग थे। पेपर में मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प जो मिली है पीएसटी के वो मिली है हमारे यूट्यूबर हैं दानियाल शेख, उनके जो बाबा हैं उन्होंने एक पॉडकास्ट की थी उनके साथ ही अपने बेटे के साथ, तो उन्होंने सब बताया था कि कैसे कैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ, मैंने वो पॉडकास्ट सुनी थी तो जिसकी वजह से मैं सही सब कुछ लिख के आ गया था। है वो तो मुझे पसंद ही है पाकिस्तान स्टडीज, जिसकी वजह से मैंने दोनों सवाल बड़ी आराम से एक डेढ़ घंटे के अंदर बड़ी आराम से मैंने कर लिए थे, तो कोई मुश्किल नहीं हुई। लेकिन इंग्लिश का जो पेपर है इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत हलवा है, लेकिन आगे के जो पेपर हैं वो थोड़े मुश्किल हैं। तो अब है हमारा इंग्लिश का पेपर और ये रही इंग्लिश की बुक, इसमें से मैं अभी थोड़ी देर पहले याद कर रहा था। और ये जो इंग्लिश है ये ऐसी है कि बस इसको क्या ही बोलें, इसमें चैप्टर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं, याद तो मुझे हैं समझ भी नहीं है, लेकिन बस जिसने पढ़ा है उसको पता होगा कैसे। चलो मैं इंग्लिश का थोड़ा पढ़ लूँ, देख लूँ है क्या इसमें, और ऐसे ऐसे थोड़े याद करने हैं और थोड़े लेटर्स याद करने हैं वो कर लूँ, फिर देखते हैं कि आगे के क्या सीन। तकरीबन दो घंटे से कराची में बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही है और अभी जो बज रहे हैं तकरीबन 9:30 हो रहे हैं और अभी तक जो है वो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि क्या बताएं, आपने देख ही लिया होगा पहली वीडियो में। और डर सिर्फ इस बात का है कि कल जो है वो बारिश ना हो जाए, क्योंकि पहले पेपर में भी बड़ी ख़तरनाक बारिश हुई थी, आने जाने का मसला हो गया, तो ऊपर से इन्होंने पेट्रोल के प्राइस जो है वो ऊपर कर दिए जिसकी वजह से पेट्रोल पम्प बंद थे, उसके लिए बड़ी ख्वारी हुई। एक तो बारिश, ऊपर से पेट्रोल बंद, कीचड़, रोड ख़राब, सब कराची को ही मिलना है और ये सब कराची के साथ ही हो रहा है। तो बस मैं यही कर रहा हूँ कि अल्लाह कल बारिश ना हो क्योंकि बहुत मुश्किलात हो जाएंगी आने जाने में, और कराची यूनिवर्सिटी के पास तो वैसे ही इतना रश होता है तो आने जाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, बारिश कल ना हो। हाँ हमारे आने के बाद हो जाए फिर कोई मसला नहीं, लेकिन जो और लोग बाहर होंगे उनके लिए तो मसला ही होगा ना। बस दुआ यही करते हैं कि कल का जो पेपर है इंशाल्लाह वो हमारा अच्छा हो जाए और आसान है, बस ज़्यादा मुश्किल ना है, मुश्किल भी आ जाए तो खैर हम कर लेंगे, लेकिन आप भी मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरे सारे पेपर जो हैं वो इंशाल्लाह अच्छी तरीके से गुजर जाए, पहला सेमेस्टर जो है वो आराम से निकल जाए ताकि कोई मसला ना हो। तो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अगर तो आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर तो आप न्यू हो, पुराने होंगे तो शायद आपने कर लिया हो। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।